हेलो दोस्तों, ट्रैवल विद सेकू चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं एसके और आज आपको बिहार भ्रमण के सिलसिले में हम गया ले आए हैं और हम हैं अभी गया के विष्णुपद मंदिर में। ये जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं, ये विष्णुपद मंदिर है और यहाँ गया जी में लोग अपने पितरों के तर्पण हेतु आते हैं और साथ में यहाँ विष्णुपद मंदिर के भी दर्शन करते हैं। इस मंदिर के बारे में बता दें, ये बहुत पौराणिक मंदिर है और यहाँ एकमात्र जगह है जहाँ की विष्णु भगवान के पद चिन्हों की पूजा होती है। यहाँ अंदर एक शिला है जिसपे विष्णु भगवान के पद हैं और उसी चिन्ह की पूजा होती है। ये विष्णुपद मंदिर है और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, इसकी गुंबद जो है इसमें 50 किलो सोने का ये गुंबद है और इसके साथ में ये जो ध्वजा दिख रही है आपको, इसकी भी वजन 50 किलो है और ये भी सोने की है। और ये अष्टकोणीय मंदिर बना हुआ है। 15वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी होलकर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय से ये मंदिर अस्तित्व में है और यहाँ लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए आते हैं। ये देख सकते हैं, ये स्पेस बना हुआ है और यहाँ पे लोग जो हैं अपने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान करने आते हैं। ये विष्णुपद मंदिर के सामने का दृश्य है और यहाँ ढेर सारे श्रद्धालु लोग आए हैं और अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के तर्पण हेतु यहाँ पूजा और पिंडदान कर रहे हैं। यहाँ पे बता दें कि पितृ पक्ष में बहुत मेला लगता है, बहुत बड़ा, और उस समय यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ बगल में फल्गु नदी है। हम लोगों ने पूजा कर लिया विष्णुपद मंदिर में, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर का नहीं दिखा पा रहे हैं। ये प्रसाद है यहाँ का, और साथ में ये विष्णु भगवान के लिए स्पेशल पेड़े हैं जो कि शंख के आकार में बनाए गए हैं और इसको यहाँ चढ़ाया जाता है। तो आप यहाँ आए और विष्णु भगवान के दर्शन करें, पद के दर्शन करें। दर्शकों, अब हम चलते हैं फल्गु घाट पे, जहाँ फल्गु नदी में पितृ तर्पण के लिए पिंडदान किया जाता है। ये देखिए, घाट जाने के लिए रास्ता है, ये सीढ़ियाँ से नीचे उतरते हुए और थोड़ी एक संकीर्ण गली है, इससे होकर के हम लोग पहुँचते हैं वहाँ तक। आसपास में दुकानें लगी हुई हैं जिसमें पूजन सामग्री और पूजा से संबंधित और चीज़ें उपलब्ध हैं। और ये गलियों की भूल भुलैया से होते हुए अब हम लोग जो ये देखिए, ये देवघाट जाने का रास्ता है। बहुत सारी गलियां हैं, पतली पतली, देवघाट आ गया।
हम लोग देवघाट पहुंच चुके हैं और यहाँ सामने फल्गु नदी है। ये हम लोग फल्गु नदी में आ गए हैं और सीता जी के श्राप के वजह से, बताते हैं, फल्गु नदी सूखी हुई रहती थी। कहते हैं छठ के समय ही केवल यहाँ फल्गु नदी में पानी आती है और अभी कुछ ही दिन हुए हैं, छठ खत्म हुआ है, इसलिए यहाँ पे फल्गु नदी में कुछ पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो लोग श्रद्धालु आए हैं वो स्नान भी कर रहे हैं। ये हम लोग आ गए हैं फल्गु नदी के किनारे और यहाँ अच्छी धार बह रही है और हमारे महाराज जी हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ का क्या। महाराज जी नमस्कार, ये बताइए, हमने सुना था यहाँ की किंवदंती थी कि ये फल्गु नदी में पानी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा कि अच्छी धार बह रही है। जैसे वर्षा इस बार बहुत अच्छी हुई, अच्छा, उस अनुसार ही अभी जल है और इसी के लिए सभी दिन जल रहने के लिए उधर में देख लीजिए डैम बनाया जा रहा है। अच्छा, ये प्रशासन के तरफ से ये डैम बनाया जा रहा है, ये डैम बनाया जा रहा है पानी रोकने के लिए, इस हेतु यहाँ पानी। नदी के उस पार में वो सीता कुंड है जहाँ पे माता सीता ने राजा दशरथ का पिंड दान दिया था। ये जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पे है सीता कुंड के उस पार, वो जो बनी हुई है नीचे में सीढ़ी, हाँ ये सीता कुंड। अच्छा, यहाँ पे ये पहाड़ के उस तरफ में सीता कुंड है, वो उस साइड वो सामने दिख रहा होगा आपको, और वहाँ पे माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। महाराज एक चीज बताइए, जब पिंडदान सीता माता ने किया था तो साक्षी में किन किन को रखा था? को उन्होंने साक्षी में रखा था, गौ, तुलसा, ब्राह्मण, नदी और एक माता सीता का बट वृक्ष जो है, ये पास साक्षी में थे। चार ने झूठ बोल दिया, एक बट वृक्ष ने सत्य बोला था, वो उपरांत में अभी तक हरा भरा है, जो कि अभी विष्णुपद मंदिर के अंदर है। अंदर है और एक किलोमीटर दूर है वो, अक्षय जी और ये दोनों में अंतर है थोड़ा। ये मंदिर के पास ही जो तीन स्थान पूजा करते हैं उनके लिए ये है, जो एक किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं वो उधर जाते हैं। धन्यवाद।